आइए दोस्तों पाइथन पार्ट 138 में देख लेते हैं रिड्यूस फंक्शन का यूज करना। तो देखिए दोस्तों कोड मैंने लिख रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम फंड टूल को इंपोर्ट करेंगे। रिड्यूस को मतलब रिड्यूस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम। और इसको तरीका क्या रहेगा, फ्रॉम फंड्स टूल इंपोर्ट रिड्यूस, ठीक है, इसको हम रिड्यूस को इंपोर्ट करा लें। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके बाद हमने लैम्डा फंक्शन लिया है, क्योंकि अब हमें लैम्डा फंक्शन आ गया है तो डेफ फंक्शन से हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लैम्डा लगाया है, यहाँ पे हमने रिड्यूस लिया पहले, फिर राउंड ब्रैकेट में हमने लैम्डा लगाया है, एन कोमा एम कोलन एम एन ए, ये हमारी ये लिस्ट है दोस्तों। अब क्या होगा यहाँ पर, ये पहले 10 और 20 को प्लस करेगा तो 30 आएगा, 30 को फिर 30 से करेगा तो 60 आएगा, 60 को अब फिर 40 से करेगा तो 100 आएगा, 100 को फिर ये 50 से करेगा। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं इसका, तो ये 150 हमारा आंसर देगा और जो कि इंटीजर में होगा, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो ये है इम्पोर्ट कराने का, और दूसरा इम्पोर्ट कराने का तरीका है फ्रॉम फंड्स टूल्स इम्पोर्ट स्टार लगाकर। आप स्टार लगाकर भी रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हैं और सेम ही काम करेगा दोस्तों। चलिए इसे रन करते हैं, तो देखिए रन करते ही हमारा आंसर आ गया 150, ठीक है दोस्तों। ओके थैंक यू।